आठवें दिन की सुबह आंख खुलते ही ऐसे नजारे देखने को मिली थी हमें, और ये देखकर फौरन हम चले गए थे टेरेस पे सनराइज देखने के लिए। सनराइज देखते समय दिल में थोड़ी सी उदासी थी, क्योंकि बिनसर से हम कॉर्बेट जाने वाले थे और इसका मतलब ये था कि पहाड़ों वाली ये सुबह अब नहीं मिलने वाली थी हमें। इसीलिए सनराइज देखते देखते ही हमने हमारी अगली पहाड़ों वाली ट्रिप की प्लानिंग भी कर ली, जिससे उदासी थोड़ी तो कम हुई। उसके बाद रूम में आके हमने चाय पी, फिर चले गए नीचे नाश्ता करने। बिनसर इको रिसोर्ट का ब्रेकफास्ट ने तो हमारा दिल ही जीत लिया था। टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म खाना खाके हमने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली और बिनसर को अलविदा बोल के हम पहुंचे चिट्टाई गोलू देवता मंदिर में। यहाँ पे पूजा देकर हम चले गए थे जागेश्वर धाम में, जो कि है अष्टम ज्योतिर्लिंग। वहाँ पे भी शिवजी को जल चढ़ाया, पूजा दी और फिर हम गए अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के पाइन फॉरेस्ट में कुछ देर बिताया और फिर चुटपुट खाते हुए शाम को पहुंच गए थे कॉर्बेट की वनस्थली जंगल रिसोर्ट में। कॉर्बेट में हम 2 दिन रुककर 3 सफारी करने वाले थे। पूरा दिन हमने ट्रैवल की पर फिर भी शाम हो गई थी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। रिसोर्ट पहुंचकर फ्रेशन अप होके हमने चाय मंगवा ली थी। चाय पीकर हमने पूर्णिमा के चांद के दर्शन किए। उस दिन कोजागोरी लक्ष्मी पूजा भी थी। थोड़ा टहलने के बाद रात को फिर डिनर करके डे 8 को किया खत्म।